हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्या एग्जाम पॉइंटर के डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों उससे बेहतर कहीं नहीं, तो आज हम लोग 27 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो इसमें जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं, जितने भी राज्य से संबंधित अगर कोई करंट अफेयर्स आता है दोस्तों, तो राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण डाटा हैं वो सारे के सारे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, ताकि जो भी अगला आने वाला एग्जाम है उसमें फायदा करेगा। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क हो गया, जनजातियाँ हो गई, सारी चीज़ें जो है शामिल किया गया है। यदि ये चीज़ें डेली रिपीट होती रहेंगी आपके माइंड में, तो सारे के सारे महत्वपूर्ण डाटा आपको निश्चित रूप से याद हो जाया करेंगे दोस्तों। तो डेली के जो करंट अफेयर्स होते हैं, हम जानते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमको डेली नहीं मिल पाते हैं। डेली ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे काम के होते हैं एक्चुअली। तो उसमें क्या किया गया है कि अगर कुछ एडिशनल डाटा जो ऐड कर दिया गया है, ये आपके फायदेमंद होगा, तो ये आपके काम आएगा दोस्तों। तो लास्ट में एक प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन करंट अफेयर्स में किए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा पहुँचा सके। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। अगर इसका PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, यहाँ पर डेली का जो PDF है वो अपलोड कर दिया जाता है, वो बड़े ही आसानी से आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे कक्षा कार्यक्रम हैं, क्लास कार्यक्रम जो कि डेली चलते हैं, करंट अफेयर्स, मैथ, रेलवे स्पेशल, GF मार्क टेस्ट, जियोग्राफी, UP स्पेशल और हिस्ट्री। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप टाइम से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस IIT संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। ठीक है, लिथियम बैटरी विकसित की है शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से। कौन सी IIT संस्था है? तो वो है IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे ने दोस्तों शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बता ही देंगे। अनुसंधानकर्ताओं के दल के अनुसार LIS बैटरी की जो प्रौद्योगिकी हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर जो है वो आधारित है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि इस प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर के उद्योग की सहायता की क्षमता है, जिसमें तकनीकी गैजेट, ड्रोन, विद्युत चालित वाहन और कई अन्य उत्पादों के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों पर आधारित हैं। ठीक है, तो लिथियम आयन की बैटरियों पर जो भी उद्योग आधारित हैं दोस्तों, उसमें क्या है कि अरबों डॉलर के उद्योगों की सहायता की इसमें क्षमता बताई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी EP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा? तो वो होगा दोस्तों कर्नाटक राज्य। ठीक है, कर्नाटक राज्य जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है अभी नई, हाल ही में, उसको लागू करने वाला दोस्तों पहला राज्य होगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि पहला राज्य कौन सा है जो इसको लागू किया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन कानून के दायरों को व्यापक बनाया गया है। अब 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं ये नई शिक्षा नीति के तहत जो पहला राज्य बना कर्नाटक, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, और नई शिक्षा नीति 2019 जो है लागू होगा। इससे पहले अभी तक क्या चल रहा था, 1986 वाला चल रहा था, आपको ये भी याद रखने हैं। और राइट टू एजुकेशन के जो कानून का दायरा है दोस्तों, इसमें काफ़ी बढ़ा दिया गया है। और अब क्या होगा, ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है कि 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, ये भी आपको याद रखना है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को अब RTI के तहत लाया जाएगा। तो इसमें कई सारी पॉइंटें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम कर्नाटक के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो ये जो मैप में दिख रहा है आपको, कर्नाटक दिख रहा है। कर्नाटक का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कैपिटल इसकी बेंगलुरु है, लार्जेस्ट जो सिटी है वो भी बेंगलुरु ही है। कुल डिस्ट्रिक्ट इसमें कर्नाटक में 30 हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट टोटल हैं दोस्तों।
इसमें गवर्नर हैं दोस्तों बाजू भाई वाला और चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदुरप्पा। तो ये भी दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं इसमें सी एन दशरथ नारायण और गोविंद करजोल और लक्ष्मण साउदी। तो तीन यहाँ पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इतने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अभी भी किसी भी स्टेट में शायद नहीं है। ठीक है, चलिए विधानसभा की बात करें दोस्तों। तो ये विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कुल मिलाकर के 224 सीटें हैं और विधान परिषद में कुल मिलाकर के 75 सीटें हैं, यानी कि ये द्विसदनीय है कर्नाटक। लोकसभा में यहाँ से कुल 28 सीटें जाती हैं और राज्यसभा में कुल 12 सीटें यहाँ से जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और स्टेटिक पॉइंट ऐड किया गया है, जो कि हर एक एग्जाम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और ये आप लोग डेली रिपीट करते जाएंगे, जितने भी स्टेट आएंगे उसमें डेली के डेली अगर ये रिपीट करते जाएंगे आप लोग, तो ये सारी चीज़ें आपको रट्टा याद हो जाएंगी और आप समझ रहे होंगे कि ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में हम तुंगभद्रा देखते हैं, कर्नाटक में तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा नदी पर काली नदी है परियोजना है, काली नदी पर अलमाटी परियोजना है, कृष्णा नदी पर फरावती परियोजना है, फरावती नदी पर भद्रा जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो भद्रा नदी पर है, शिव समुद्रम जो परियोजना है वो कावेरी नदी पर है। तो इसमें तुंगभद्रा हो गया, काली हो गया, फरावती हो गया और शिव समुद्रम हो गया, ये सारे जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, बाघ अभयारण्य देखते हैं। तो दो बाघ अभयारण्य, एक बांदीपुर जिसकी स्थापना 1973-74 में हुई थी और नागर होल 1999 से 2000 में हुई थी। तो ये भी सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय उद्यान अगर देखें यहाँ पे तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी जो है राष्ट्रीय उद्यान है और कुंदरे मुख, इसको राजीव गांधी कर लीजिएगा। तो ये तीन राष्ट्रीय उद्यान हैं जो बांदीपुर और राजीव गांधी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। झील देखेंगे तो बेलांदूर, पंपा सरोवर और उंकल, कावेरी हो गया, भीमेश्वर हो गया और उल्फुर हो गया। तो इतने झील हैं। जनजातियों की बात करें अगर दोस्तों तो चेंचू हो गया, वर्ली हो गया, कोरमा हो गया और मलाई कुड हो गया, ये इतनी जो है यहाँ पर जनजातियाँ हैं। तो चेंचू, वर्ली और कुरमा ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये तीन जनजातियाँ कर्नाटक की आपको भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, असम में सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम जिसे हम असस्पा कहते हैं को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अगेन 6 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जो विशेष शक्तियां अधिनियम है दोस्तों उसको 6 महीने के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यह क्या करता है, यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्यवाही करने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है अफस्पा। ठीक है, तो इतने सारे जो है अधिकार प्रदान कर देता है अफस्पा। तो यह जो कानून है दोस्तों ये असम में नवंबर 1990 से ही जारी है, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1990 से ही जारी है और हर बार इसे 6 6 महीने 6 6 महीने नवीकृत किया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखें, ये जो आपको दिख रहा है ये है असम। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर, सबसे बड़ा जो शहर है असम का वो है गुवाहाटी, घनत्व है 340, जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं असम में वो कितने हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। भाषा जो है इसकी असमिया है और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1960 को। राज्यपाल इस समय असम में कौन है, तो वो है जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। विधानमंडल एक सदनीय है, यहाँ पर विधानसभा की 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें यहाँ से जाती हैं और लोकसभा की 14 सीटें यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ी सी एडिशनल जानकारियाँ देखेंगे जो कि स्टैटिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुउद्देशीय परियोजना में कुल्फी परियोजना है जो कुल्फी नदी पर है, कोपली परियोजना है जो कि कोपली नदी पर है, बाघ अभयारण्य बहुत फेमस फेमस है, काजीरंगा इतना महत्वपूर्ण और फेमस बाघ अभयारण्य है 2006 में, मानस काफ़ी महत्वपूर्ण है 73-74 में, नमेरी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है 99 और 2000 में, औरंगा अभी जल्द ही बना है 2016 में। तो कुल मिलाकर के इतने बाघ अभयारण्य है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में काजीरंगा, मानस, नमेरी ये सब पूछता है। तो अगर ये आप लोग डेली ऐसे रिपीट करते जाएंगे तो आपको
आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग देखते हैं तो काजीरंगा मानस हो गया, नमेरी हो गया, ओरांग हो गया और डिब्रू साइखोवा हो गया। तो इतने राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि बहुत ही टॉप मोस्ट के राष्ट्रीय उद्यान है भारत के। जनजातियों में अगर देखेंगे तो बोडो, खाफी, मिजो, नागा, ये और हो गया मिकिर, ठीक है। तो ये हो गया इतनी जो है जनजातियां हैं। मिकिर जनजातियां खास करके असम की बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी ये बोडो, खासी, मिजो, नागा, गारो ये सारी चीज़ें भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखने हैं। अगला जो प्रश्न है, किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पूतनिक फाइव वैक्सीन अभी लॉन्च हुआ था, आप लोग जानते ही हैं, के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है, तो वो है दोस्तों रूस। रूस ने अपना एक कोविड-19 वैक्सीन जो है स्पूतनिक फाइव जो है अभी लॉन्च किया है, इसके उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए उसने भारत से सहयोग मांगा है दोस्तों, ठीक है। तो कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को हुई अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर के स्पुतनिक फाइव तैयार की है दोस्तों, ठीक है। तो स्पुतनिक फाइव रूस ने तैयार की है, ये आपको ध्यान में रखना है। जितने भी आपको ग्रीन वाले दिख रहे हैं ये है रूस। रूस की कैपिटल और जो लार्जेस्ट सिटी है वो है मॉस्को। प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। करेंसी है रशियन रूबल। तो ये सारी चीज़ें तीन पॉइंट आपको इसमें और भी याद रखना है। चलिए पांचवा नंबर देखेंगे, यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, तो वो 30 सितंबर तक ये सारी चीज़ें बढ़ा दी गई हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आगामी 30 सितंबर तक कोई भी सार्वजनिक समारोह हो गया, धार्मिक उत्सव हो गया, राजनीतिक आंदोलन हो गया और सभाएं हो गई, वो आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों। ये जनता के लिए है, अगर सरकार ऐसा कुछ करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकती है, इस पर कोई रोक नहीं है दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो सार्वजनिक रूप से मूर्तियाँ हो गई, ताजिया हो गई और अलम हो गई, ये भी स्थापित नहीं किए जाएंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी प्रकार के जुलूस और पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह रोक इसलिए भी लगाई गई है क्योंकि ऐसी आशंका है कि असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश। तो इसके जो गठन हुआ था 24 जनवरी 1950, ये आपको याद रखना है। कैपिटल है लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट टोटल इसमें 75 हैं और यहाँ पर देखेंगे जो गवर्नर हैं इस समय वो हैं आनंदी बेन पटेल। चीफ मिनिस्टर हैं आदित्य योगीनाथ, ठीक है, बीजेपी के हैं। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। लेजिस्लेचर यहाँ पे बाई कैमरल है, यानी कि द्विसदनीय है। तो जो काउंसिल है विधान परिषद उसमें कुल 100 सीटें हैं और जो विधानसभा है उसमें कुल 403 सीटें हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो राज्यसभा में यहाँ से 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो यूपी स्पेशल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यूपी स्पेशल की ही हमारी एक अलग बैच चल रही है दोस्तों शाम को 6 बजे से, तो आपको यूपी स्पेशल देखना है तो उसमें आप लोग ज़रूर आइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी महत्वपूर्ण डाटा को जो है यहाँ पर रखे हैं और उसको आप लोगों को बताएंगे। तो बहुउद्देशीय परियोजना में देखेंगे हम लोग रामगंगा नदी पर रिहंद परियोजना है, ये भी रिहंद नदी पर। चिबरो परियोजना है टोंफ नदी पर। चिल्ला है चिल्ला नदी पर। माता टीला है बेतवा नदी पर। तो इसमें रिहंद तो रिहंद पर ही है, कोई दिक्कत नहीं। रामगंगा पर ही है, नो टेंशन। चिबरो केवल चेंज हुआ है टोंफ नदी पर और माता टीला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेतवा नदी पर। तो यही दो ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी तो सब सेम पर हैं, ठीक है। बाघ अभ्यारण्य दो हैं। दुधवा का आप लोगों ने नाम सुना होगा और केवल दुधवा ही जानते होंगे 87-88 में, लेकिन अमनगढ़ अभी जल्द ही 2012 में बना है, जल्दी नहीं हुआ, 8 साल हो गया लेकिन फिर भी जल्दी है। तो अमनगढ़ भी एक बाघ अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे ना जानते हुए कंफ्यूज हो गए
गए हैं, तो इसको आप लोगों को अब माइंड में सेट कर लेना है। राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो इसमें है केवल दुधवा झील, एक फुलहर झील बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश की एक झील है। उसके बाद बेला सागर है, गोमट ताल आता है, तो ये भी आपको जानना है। जनजातियों की अगर बात करें तो बुकफा, थारू, खरवार, राजी और अगरिया, इसमें से बुकफा और थारू जो है ये आपको ध्यान में रखने हैं। छठा जो प्रश्न है हमारा, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो कुल 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है दोस्तों, ठीक है, वर्ष 2020 के लिए। तो बिहार के दो शिक्षकों को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। अवार्ड की स्वतंत्र राष्ट्रीय चयन समिति ने राज्यों से शिक्षकों का चयन साक्षात्कार आदि के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है दोस्तों किया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे तो इंग्लैंड के दिग्गज जो तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो कुल 600 विकेट, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, ठीक है। तो इसने सिर्फ इससे आगे सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं जिन्होंने 800 विकेट लिया है, ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न हैं जो 708 विकेट, और भारत के अनिल कुंबले हैं जो 619 विकेट लिए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ दोस्तों जेम्स एंडरसन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। तो इंग्लैंड के दिग्गज जो तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, सरकार द्वारा बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति शुरू की गई है, उस नीति तो किस राज्य सरकार ने की है? तो वो उड़ीसा सरकार ने की है, ठीक है। बायोफ्लॉक तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति शुरू की है उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीकी के जरिए क्या करेगी दोस्तों, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है, बहुत ध्यान में रखना है, मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह योजना मत्स्य पालन में बायोफ्लॉक तकनीकी के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। बायोफ्लॉक आधारित मछली पालन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें सीमित क्षेत्र में ही मछली पालन जो है वो संभव होता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए पारंपरिक तौर पर पानी की अधिक मात्रा और अधिक ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है। इस तकनीकी में क्या किया जाता है कि टैंक में जो अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो प्रोबायोटिक्स और कार्बन स्रोतों जैसे कि शरीर के उपयोग से पचता है और मछली के भोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो यह योजना राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाएगी और उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं और इच्छुक प्रगतिशील मछली किसानों को आजीविका सहायता प्रदान करेगी। तो राज्य सरकार इन उद्यमियों को 40% की सब्सिडी भी प्रदान करेगी जो मछली का उत्पादन करने के लिए नई जैव प्रणाली शुरू करेंगे। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन बन जाता है 40% वाला। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर है वो है भुवनेश्वर। जनसंख्या घनत्व तो है यहाँ की 270 भाषा है उड़िया। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 आप लोग जानते ही होंगे डेट। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं, विधानमंडल एक सदनीय है, 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें, उच्च न्यायालय यहाँ का क्या है, उड़ीसा उच्च न्यायालय। इसमें जो डाटा है अलग से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुउद्देशीय परियोजना में हीरा कुंड जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, ये महानदी पर है, और बाली मेला ये सिलोरी नदी पर है। तो ये हीरा कुंड वाला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हीरा कुंड वाला सब लोग जान गए हैं, तो ये बाली मेला ज़्यादा पूछा जा रहा है जो कि सिलोरी नदी पर है। बाघ अभ्यारण्य शिमलीपाल बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस है, जो उसकी स्थापना 1973-74 में हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे भीतरकनिका और शिमलीपाल, तो भीतरकनिका और शिमलीपाल राज्य के टॉप मोस्ट राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं। झील में देखेंगे चिल्का झील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, आप लोग जानते होंगे चिल्का झील, तो वो कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में। जनजातियों में देखेंगे अगर तो खरिया, संथाल, कोल, खोंड और बैगा, तो इसमें से संथाल हो गए,
कोल हो गए और बैगा हो गए, ये दो तीन जनजातियाँ आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के साथ साथ कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? तो वो हैं पाकिस्तान और चीन। ठीक है, तो देश रूस में जो होने वाला सैन्य अभ्यास है उसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान और चीन भी दोस्तों इसमें भाग लेगा। रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास का नाम है काउकाज 2020, तो ये याद रखिएगा, काकेकस 2020 का एक नाम है काउकाज या फिर काकेकस, जिसमें भारतीय सैन्य टुकड़ी के साथ साथ पाकिस्तान और चीन सहित विभिन्न देश भी हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना की एक पैदल टुकड़ी तोपखाने बख्तरबंद गाड़ियों के साथ लगभग 180 सैनिक और अधिकारी इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। भारत की तरफ से वायुसेना और सिंगल कोर के जवान भी सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। अभ्यास में मेजबान रूस सहित कुल 19 काउंटी देश शामिल होंगे और इस अभ्यास में 12,500 से अधिक सैनिक भी भाग लेंगे। तो अभ्यास का नाम आपको याद रखना है काउकज 2020 या फिर काकेकस 2020, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछला जो प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो वो है दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, वो है छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य ने ये योजना शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए देशी और विदेशी शराब के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करने का निर्णय किया है। राजीव गांधी किसान न्याय के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य में अंतर की राशि का लाभ मुहैया कराया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। राज्य सरकार के मुताबिक किसान न्याय योजना के द्वारा किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीबी के स्तर में कमी आएगी। तो यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर। सबसे जो बड़ा शहर है वो रायपुर है, घनत्व 189 है। जो राजभाषा है यहाँ की, एक हिंदी है और दूसरी छत्तीसगढ़ी है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2020 को, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, विधानमंडल यहाँ एक सदनीय है, कुल 90 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 11 सीटें हैं। जो उच्च न्यायालय है वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ी सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखेंगे। तो जोंक बहुउद्देश परियोजना है, जो कि जोंक नदी पर है और महानदी जलाशय ये महानदी पर ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपने अपने जो नाम है वो उसी नदी पर ही है, बस आपको केवल याद रखने हैं कि जोंक जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। बाघ अभयारण्य देखेंगे तो इंद्रावती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इंद्रावती जो बाघ अभयारण्य है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अचंकमार और उदंती राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में आया है। कांगेर घाटी और संजय थोड़े से कम इम्पोर्टेंट हैं। झील में देखेंगे तो बेलांदूर, पंपा सरोवर, उंकल, कावेरी और भीमेश्वर और उल्फुर है। जनजातियों में भूरिया जनजाति और कोल जनजाति, यहाँ की दो जनजातियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके लिए है कि किस देश ने पांचवा गाओ फेन नाइन श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो गाओ फेन नाइन जो है वो किस श्रृंखला की पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है दोस्तों? तो आपको देश का नाम बताना है। ठीक है, कि किस देश ने पांचवा गाओ फेन नाइन श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? चीन है, सोवियत संघ है, भारत है, अमेरिका है? तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा जरूर रहती है दोस्तों, और हम आपके जितने भी आंसर होते हैं उसका रिप्लाई भी जरूर करते हैं दोस्तों। तो चलिए खत्म करते हैं आज का करंट अफेयर। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। करंट अफेयर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।